हेलो गाइस, सीएससी में नई सर्विस एक लाइव हो गई है। वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करने की सर्विस जो है लाइव हो गई है। आज हम उसे दिखाएंगे और कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उसका हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम प्रिंट करके देंगे वो हम सब सभी इस वीडियो में आपको बताएंगे ना। सबसे सिंपली हमें इस डिजिटल सेवा की डिजिटल सेवा की जो ऑफिशियल साइट होती है इस पर जाना है, ठीक है। इस पर जाने के बाद में जैसे हम इस पर जाएंगे तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगी। आपकी जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड हो उनसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके का पूरा इंटरफेस दिखाई देगा सीएससी पोर्टल का। हमें यहाँ पे चले जाना है सर्च बार में। सर्च बार में टाइप करेंगे हम, सर्च बार में यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, यहाँ टाइप करेंगे हम इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन टाइप करने के बाद में जैसे सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक सर्विस निकल के आ जाएगी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, कहाँ गया, ये सर्विस हमारी जो है यहाँ पे निकल कर सर्च करेंगे। जैसे हमारी सर्विस जो है यहाँ पे एक टैब निकल के आ जाएगा। इस पे हमें यहाँ से ना ये लिखा है वोटर आईडी कार्ड प्रिंट का, हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। यहाँ तो हमें सिंपली यहाँ क्लिक करना होगी। क्लिक करने के बाद में जो सीएससी बीएलई हो उनका जो है हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगी, ठीक है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और आपको लाइव करके दिखाते हैं, ठीक है। हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो जो भी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उसी पे ओटीपी आएगी, ठीक है दोस्तों। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम अपना ओटीपी नंबर डाल दिया हूँ और इस तरीके से ये आगे बढ़ा, है ना, तो हमें यहाँ पे जो है सीएससी बीएलई आईडी आ जाएगी। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगी, यहाँ असाइनमेंट सेलेक्ट करना होगी और यहाँ पे ना एड्रेस से लिखना होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपना लिख लेते हैं। और यहाँ पे ना SID लिखना है, ब्लॉक लिखना है यहाँ पे, और जो भी हमारा एड्रेस होगा वो हमें यहाँ पे फिल करना होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है हमने डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट किया है ना, और पिन कोड डाल दिया है, पिन कोड डाल दिया, मेल आईडी डाल दी। और यहाँ पे हमें नो करना है। अगर मशीन आपके पास है वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करने वाली तो नो करेंगे, एस करेंगे, और वरना नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है 400 KB की ग्रांटर 10 200 KB में फाइल बनाना है ना, वो बना लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। अपलोड वेरिफिकेशन पे करने के बाद में यहाँ पे हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे वो उनके पास सीधा सीधा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म चला जाएगा, वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे उसे, ठीक है। तो अपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास उनको बताना होगी कि वो वेरीफाई करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।